दिल्लीच्या सीमांवरती आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांसोबतची बैठक केंद्र सरकारने अलीकडेच आणली आहे. आता 3 तारखेऐवजी आजच या बैठकीला येण्याचं निमंत्रण सरकारने दिलंय. कोरोनाची साथ आणि वाढती थंडी यामुळे आंदोलकांचे हाल होत आहेत आणि त्यासाठी 3 तारखेची नियोजित बैठक अलीकडे आणत असल्याचं केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी म्हटलंय. 13 नोव्हेंबरच्या चर्चेत सहभागी असलेल्या सर्व 32 शेतकरी संघटनांना कृषी खात्याचे सचिव संजय अग्रवाल यांनी लिखित स्वरूपात आजच्या बैठकीचं निमंत्रण पाठवलं. आज दुपारी 3 वाजता दिल्लीच्या विज्ञान भवनात ही बैठक होईल. शेतकरी संघटनांनी बैठकीला जाण्याची तयारी दर्शवली असली तरी सुद्धा कृषी कायद्यांबाबत कोणतीही तडजोड करण्याची त्यांची तयारी नसल्याचं हे स्पष्ट दिसतंय. सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है और उस दिन 13 नवंबर को यह तय हुआ था कि वार्ता का अगला दौर जल्दी ही किया जाएगा और हम लोगों ने 3 दिसंबर की तारीख तय की थी. लेकिन किसान आंदोलनरत हैं और सर्दी का मौसम है, कोविड का भी संकट है और इसलिए ऐसा लगता है कि 3 दिसंबर से पहले भी वार्ता की जाए और कोई रास्ता निकले तो ज़्यादा अच्छा होगा. इसलिए 1 दिसंबर को दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में उन सभी किसान यूनियन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है जो पहले दौर की वार्ता में उपस्थित थे. हमारा ये नॉन नेगोशिएबल है, तीनों कानून और दो एक ऑर्डिनेंस और एक जो प्रपोज्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये तीनों नॉन नेगोशिएबल है. इस पर ही बात होगी कि ये गलत है, इसको मानने गलत है, इसको हम रीथिंक करने को तैयार हैं, तभी बात होगी. नहीं तो वहाँ यानी ये नहीं हम बहाना जाने नहीं देते कि बात के लिए अनकंडीशनल बुलाएंगे तो जाएंगे. अगर इन 5 मुद्दों पर बात नहीं होती है तो हमको वॉकआउट करना पड़ेगा दुख से. नहीं, रिटर्न फोन से हम नहीं जाते, रिटर्न मैसेज आएगा और अगर नॉन कंडीशनल होगा तो हम जाएंगे. हम बातचीत का दरवाजा बंद नहीं करना चाहते. आणि या संदर्भात अधिक माहिती देतात आमचे प्रतिनिधी रामराजे शिंदे. राम, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा आजचा 6वा दिवस आहे. शेतकरी संघटनांचे नेते आणि केंद्र सरकारमध्ये आज बैठक दुपारी 3 वाजता विज्ञान भवनात पार पडते. कोणते नेते प्रामुख्याने या बैठकीला उपस्थित असू शकतात? राम. बिल्कुल, खरं तर शेतकऱ्यांच्या संघटना 50 हून अधिक आहेत, परंतु या बैठकीमध्ये केवळ 30 ते 32 संघटना असणार आहेत. मी आता सिंधू बॉर्डर आहे, इथली अगोदर परिस्थिती मी दाखवतोय की कशाप्रकारे हा पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आलेला आहे. काल हा पोलीस बंदोबस्त एवढा नव्हता, परंतु आज वाढवण्यात आलेला आहे. कारण आज महत्त्वाचा दिवस आहे, चर्चा होणार आहे आणि या चर्चेमधून डिस्कशनमधून काय बाहेर पडते ते पाहावं लागणार आहे. हमारे साथ यहाँ के कुछ किसान भी है, उनसे भी जानेंगे क्योंकि 32 संगठन है जो कि बात करेंगे कृषि मंत्री से. लेकिन जो संगठन है कि क्या आप भारतीय किसान यूनियन की तरफ से भी है, लेकिन जो सरकार ने जो हमारे फैसले रद्द करने की मन नहीं बनाया. जब मन बनाया कि हमारे जो आगुआ से बात भी करेंगे, कृषि मंत्री ने पहले भी बात की थी, उन्हें तो पहले कहा था भी 3 तारीख क्यों रखी उसने. हमारी सभी तरीक से जहाँ धरना चल रहे हैं 27 तारीख से भी गलत कर सकते थे, वहाँ आके 28 से कर सकते थे. 29 होगी, 1 होगी आज. अभी तक जो दिल्ली सरकार अपने सेंट्रल सरकार ने किसी मंत्री ने बात नहीं की है. सेंट्रल सरकार ने किसी मंत्री ने बात नहीं की है जी. अच्छा, लेकिन फिर कुछ संगठन नाराज क्यों है? क्योंकि कुछ लोगों को ही बुलाया है, पूरे संगठन को नहीं बुलाया है, इसलिए नाराज क्यों? नहीं नहीं नहीं, सारे संगठन को बुलाया गया है, टोटल जितने साड़ी जथेबंदी को सबको बुलाया गया है, सारी जथेबंदी. अच्छा, सोल्यूशन निकलेगा? सोल्यूशन निकलने का कोई चांस नहीं लग रहा. क्यों? क्योंकि मेरी बात सुनो ना, हम कितने दिनों से जहाँ पर आए हैं, लगभग 2 महीने हो गए हैं. उधर सरकार अपनी मर्जी से फैसले ले रही है, अपनी मर्जी से तरीक तय कर रही है कि हम इसी तरीक को फैसला देंगे. हमें सरकार की किसी तरीके को कोई उड़ीक नहीं है, हम अपनी मर्जी से जाएंगे. बात यह है कि हम 6-6 महीने का राशन लेकर आए हैं, हमको जितना टाइम भी बैठना पड़ेगा जहाँ बैठेंगे. अच्छा, आज सोल्यूशन निकलेगा क्या? सोल्यूशन निकले का कोई चांस नहीं लगता. मोदी सरकार ने पहले कितनी बार मीटिंग बुला ली है, मीटिंग में नारा देते हैं हम मंत्री किसान जथेबंदियों के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन कोई मंत्री बातचीत नहीं करता.
ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਤੇ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਤੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰੀ 31 ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਫਸਰ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਹਮੇ ਐਸੇ ਅੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਹਮ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇ हमें नहीं चाहिए हम जिम्मेदार हैं हम खेती बाड़ी करते हैं हम किसान हैं हमें नहीं एग्री हम इस कानून से ये तो किसी राज्य लेकिन आज के मीटिंग में आपके संगठन के लोग जाएंगे क्या नहीं वो तो हमारे आगू दसेंगे जाएंगे ना जाएंगे उसका फैसला है पर जो हमारी जे किसी राजे की प्रजा ही दुखी है तो राजे कानून बनाने का क्या फायदा पहले मोदी को हमारे जथेबंदियों जो किसानों के साथ बातों करनी चाहिए थी भी मैं जे कानून बनाने लगा हूँ राम थोड़क्यात आज दुपारी 3 वाजता ही बैठक पार पडते आणि या बैठकीमध्ये कोणते महत्त्वाचे निर्णय घेतात या संदर्भातील अधिक अपडेट्स आम्ही तुमच्याकडून घेणार आहोत धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या माहितीसाठी